फ्रेंड्स, मैं हूँ शोभा। वेलकम टू माय चैनल शोभा रसोई। देखिए इस मिठाई का टेक्सचर और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ पाइनएप्पल नारियल का बुरादा का मिठाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार। अब ये वाली मिठाई आप शायद ही मार्केट में मिले और यूट्यूब में भी मिले, पता नहीं मुझे। अगर आपको आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं बनाने वाली एक अनोखा मिठाई, तो आप देख के बताइएगा इस मिठाई का नाम क्या होगा। तो उसके लिए मैंने ले लिया 200 ग्राम जितना पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस मिक्सर में मैंने मिश्री पीस के रखा है, इसलिए इसी में डाल दिया हमने। देखिए बहुत ही बढ़िया हमने ग्राइंड कर लिया। इसमें चंक्स नहीं रहना चाहिए फ्रेंड, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो इसको रख देते हैं हम एक तरफ। हमने ले लिए 100 ग्राम पनीर, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में इसको पाइनएप्पल के पेस्ट को हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच मिश्री पिसी हुई। आप चाहो तो आपके पाइनएप्पल मीठे के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पाइनएप्पल बहुत ही खट्टी है इसीलिए मैं इसमें 4 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास जो पाइनएप्पल है वो मीठी होगी तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मिर्ची और पाइनएप्पल के पेस्ट को हम अच्छे से पका लेंगे। मिर्ची और पाइनएप्पल का पेस्ट अच्छे से पक चुका है। देखिए इसकी ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया, हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसके अंदर हमने जो पनीर डाल कद्दूकस करके रखा था उसको डाल देंगे। फ्रेंड इसे हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया क्योंकि वो थोड़ा दाना दाना लग रहे थे। आप एक काम करिएगा, पहले आप पनीर को ग्राइंड कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मावा, ये घर का बना हुआ मावा है गाय का दूध का। इसमें 200 ग्राम हमारा पनीर है, 100 ग्राम पनीर है तो हमने डाला है 200 ग्राम जितना मावा। तो आप अपने अनुसार क्वांटिटी घटा बढ़ा लीजिएगा, आपको जितनी दरकार होती है उतना ही। अब इसके अंदर हम डाल देंगे येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है लेकिन ये है कि डालने से इसमें टेस्ट तो कुछ आता नहीं है लेकिन कलर लुक अच्छा आएगा। और पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल के जैसे थोड़ा कलर भी आ जाएगा अपना, तो इसीलिए मैंने डाला है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे इलायची पाउडर, ये पाइनएप्पल एसेंस है। ये देखिए ये भी ऑप्शनल है, मैं थोड़ी सी डालूंगी इसमें, ये 2-3 ड्रॉप का है। जब तक ये हमारा पकता है हम दूसरे तरफ दूसरा काम कर लेते हैं दूसरे गैस पर। ये हमने आधा लीटर दूध ले लिया दूसरे कढ़ाई में। जब तक हमारा पाइनएप्पल का डो तैयार होता है तब तक इसका आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप जितना हमारा नारियल का बुरादा, आधा कप जितना हम डाल देंगे चीनी। पाइनएप्पल के डो में अब इस स्टेज में हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच घी। इसके पहले हमने घी का यूज एकदम नहीं किया है। देखिए नारियल का ये भी हमारा डो फॉर्म में आ गया। गैस को हम कर देंगे ऑफ, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा। इसको डो फॉर्म में कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ये हमने बटर पेपर में घी लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें इस डो को डालेंगे। दूसरे बटर पेपर के ऊपर हमने घी लगा लिया, उसको इसके ऊपर लगा लेंगे। पैन के सहायता से इसको हम बेल लेंगे। हमने हार्ट शेप का एक कुकी कटर ले लिया, इसको इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से साथ में एक हमने ऐसा ढक्कन ले लिया, इसके बीच से हम
बीच में इसके होल कर देंगे। ये कुकी कटर के साथ नहीं करिएगा तो फैलने का चांसेस नहीं रहेगा, नहीं तो फैल सकता है, इसीलिए मैं इसमें काट रही हूँ। हमने एक बटर पेपर लेकर उसमें घी लगा लिया और एक कुकी कटर ले लिया। कुकी कटर के अंदर हमने ये व्हाइट वाले नारियल का डो डाल दिया है, उसके अंदर हमने ऐसे एक ढक्कन ले लिया। आपके पास ये छोटा कुकी कटर हो तो बहुत ही बढ़िया है। से इसके बीच में हम होल कर देंगे। ये होल करके हमने निकाल लिया और चम्मच के सहायता से इसको हम नीचे की ओर प्रेस कर देंगे जिससे हमारा स्वीट सेल निकल जाए, हार्ट निकल जाए। ये देखिए निकल गया बढ़िया से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम सारे बना लेंगे फिर उसके बाद इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे। मैं आपको एक और बना के देख लेती हूँ, दिखा देती हूँ। ऐसे हम राउंड सा बना लेंगे, इसके अंदर भर देंगे बढ़िया से। इसको प्रेस कर देंगे हम, ढक्कन ले लिया हमने। आप कुकी कटर ले सकते हो, कुकी कटर है तो आपके पास छोटा, और इसको दबा के बढ़िया से प्रेस कर देंगे हम। इसको आर पर हमने निकाल दिया है, अब इसको हम चम्मच के सहायता से नीचे प्रेस कर देंगे ताकि ये नीचे निकल जाए। देखिए ये निकल गया, इसको हम पलट देंगे ताकि यहाँ क्लीन हमारा जो हार्ट शेप है हार्ट निकल जाए। ये देखिए अब इस ऐसे ही हमने सारे बना लिए। अब इसके अंदर हम भर देंगे फिलिंग। अब हमने जो पाइनएप्पल का और पनीर का मावा का बना के रखा था उसको इसके अंदर फिल कर देंगे। ये देखिए बन गई ना हमारी महंगी से महंगी मिठाई रेडी, बाज़ार से भी बढ़िया। हम बाज़ार से महंगी मिठाई खरीदते हैं। ये देखिए अब दूसरे के अंदर भी हम भर देते हैं। ये देखिए अब इसको हम निकाल के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया मिठाई हमारा बन के रेडी है, और स्वाद तो टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग सा है फ्रेंड। इसमें पाइनएप्पल का आ रहा, पनीर का आ रहा, मावा का आ रहा, और इसके बाद कितनी सुंदर हमारी हार्ट शेप मिठाई बन के रेडी हो गए। मैंने सब रेडी कर लिए हैं। ये देखिए तो है ना दिवाली स्पेशल मिठाई, तो इसको तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैं कर रही हूँ प्लेटिंग, और डिश अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स अगर सर्कलों में फैमिली मेम्बरों में शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कोई अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।